हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हो जो कद्दू का साग है, तो हमने इसको लेके और काट लिया है अच्छे से, और दो तीन बार इसको साफ़ कर लिया है। इसमें पत्ते भी है और ये बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी होती है। नीचे पत्ते हैं, उसको मैं बाद में चॉप करके दूँगी। तो इसके साथ में हमें चाहिए और बैंगन और आलू। तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप सबको अच्छी लगेगी। तो बने रहिए वीडियो पर। बैंगन आलू, तो मैंने बैंगन को भी ऐसे करके काट के रखा है, और आलू, ये आलू है और ये बैंगन है, और मैंने इसको पानी में डुबो के रखा है। और थोड़ी सी हमें चाहिए ग्रीन चिल्ली, तो मैं उसको भी रखी हूँ। तो मैं बैंगन का, ताकि जो कड़वापन है निकल जाए, इस वजह से मैं थोड़ा पानी में इसको डुबो के रखी हूँ। तो चलिए, मैंने अलग से काट लिया है अभी, तो ज़्यादा छोटा नहीं करना है, बड़ा बड़ा करना है। कटहल को मैंने एक साथ अभी अलग से रख लिया है, और यहाँ पे आलू और बैंगन का मैंने पानी निकाल दिया है। तो यहाँ पे हमारी जो कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें डालते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें मस्टर्ड ऑयल भी ऐड करती हूँ। तेल हमारी गरम हो चुकी है। यहाँ पे हमें तड़के में चाहिए सूखा लाल मिर्च, और थोड़ी सी जीरा, थोड़ी सी मेथी, और थोड़ी सी सौंफ, और थोड़ी सी कलौंजी। तो इसको मैं अभी तड़के में डालूंगी। जैसे हमारा थोड़ा सा चटक जाए, तो इसके बाद में डालूंगी बैंगन और आलू को। तो अब मैं आलू और बैंगन को डाल देती हूँ। थोड़ा सा हाथ चला लूँगी, उसके बाद में डाल दूँगी मैं जो डंठल को। तो हम अभी इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं, थोड़े से जीरा पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, नमक थोड़ा सा बाद में दूँगी, पहले इनको भून लेती हूँ। पहले डंठल को देखिए, थोड़ा सा मैं इसको हल्का सा मिला लूँगी, फिर मैं साग को डाल के फिर मैं जैसे हमारा आग लगेगा, मतलब गर्म में लगेगा, तो हमें सॉफ्ट हो जाती है साग, कोई भी आप जानते हो, तो बहुत ही थोड़ी सी हो जाएगी। अभी बहुत लग रही है, थोड़ा सा मिला लेती हूँ अभी। हम इसमें डाल देंगे साग को। हाँ, दिखने में जितने खाड़ी लग रही है, लेकिन जीरो सॉफ्ट हो जाएगी। तो मैं इसको थोड़ी देर में कवर कर दूंगी, कवर करने से ये सॉफ्ट हो जाएगी। देखिए, साग बहुत सॉफ्ट हो चुकी है, देखने में कितना ज़्यादा लग रही थी। तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा हल्का सा चीनी, थोड़ा सा मैंने 1 पिंच मैंने चीनी दिया है, ताकि थोड़ा सा बैलेंस हो स्वाद में। और मैं थोड़ा सा हल्का पानी दूंगी, और ये आपका कढ़ाई में भी पक जाएंगे, लेकिन मैं एक सीटी दूंगी, हल्की सी, ज़्यादा तेज़ नहीं। और थोड़ा सा मैं इसमें दूंगी मस्टर्ड, तो मस्टर्ड पिसा हुआ है, तो वो मैं डाल रही हूँ। बस थोड़ा सा डालूंगी, मस्टर्ड मैं पीस के रखी हूँ, वही डाल रही हूँ। बहुत ही टेस्टी होती है सब्ज़ी। और मैं अभी हल्के से धीमे आँच में, अगर मैं ऐसे ही मैं पकाऊँ तो भी पक जाएंगे, लेकिन मैं हल्की सी एक सीटी देके मैं इसका हवा भी जो है कुकर का वो भी निकाल दूँगी। तो मैं थोड़ी सी पानी मिला के इसको ढक्कन लगा देती हूँ। तो मैंने इसमें ढक्कन लगा दिया है, और एक सीटी जैसे देगी मैं इसको उतार लूँगी। तो देखिए, सब्ज़ी हो गई है हमारी तैयार, और बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी बनी है। आई होप आप सबको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद में बेल बटन पर जरूर हिट कर दीजिए, ताकि जो मेरी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिले। तो आज का बस यहीं पर मैं एंड करती हूँ। बाय बाय, सी यू अगेन, नेक्स्ट वीडियो लेके फिर से हाजिर हो जाऊँगी। तब तक शब्बा खैर, बाय, सी यू अगेन, टाटा।